वेलकम वेलकम रूबी के दिल में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम कुछ पकाने वाले तो हैं, लेकिन पकाने से पहले मैं अपनी कुछ फीलिंग शेयर करना चाहती हूँ आपसे, कुछ अंदर का अनलोड करना चाहती हूँ। जैसे कि आप लेटली मुझे देखते हैं, जब भी मैं कोई आटे की रेसिपी बताती हूँ तो क्या कहती हूँ कि ईस्ट डाल के जब रखते हैं तो प्रूफ करने के लिए बंद माइक्रोवेव में रखें, तो मैं हमेशा यहाँ रखती हूँ। चूँकि ये बंद ही है, ये चलता ही नहीं है। पास्ट रेसिपीज़ में आपने देखा होगा, बहुत पुरानी, कि हाँ चलता होगा, लेकिन लेटली तो ये बंद है, अब बंद ही रखा हुआ है। मैं तो परेशान हो गई हूँ, तो आज मैं बहुत गुस्से में हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं शफीक भाई आपके या शफीक अंकल जो भी कह लें उनसे मैं कहूँ कि इसको मेरी नज़रों से दूर ले जाए, इसको निकाल दें। शफीक, क्या सूप बन गया? हाँ, मैंने आपको सूप पिलाने के लिए बुलाया है। पहले रुश्वत, चक्के देखें। बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छा है, है ना? तो सूप एंड हो गया, सब हो गया है? हाँ हाँ, मैंने तो ट्राई कर लिया। वो कहते हैं ना कि पेट के जरिए जाना चाहिए दिल तक। आज मैं अपने प्यारे व्यूवर्स के साथ एक चीज बनवाना चाहती हूँ आपको। हाँ बोला, इसका कुछ करे, मुझे नहीं चाहिए, ये हमें छोड़ के चले गए, ये समझ ही नहीं रहे। हाँ मगर कोविड है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रूबी बोल बोल के थकी है मुझे, मुझे पता है ये उस बंद सिर्फ यूज होता है। किस लिए यूज करती हो तुम सर? प्रूफिंग के लिए। कैन यू बिलीव, ऐसा किसी के पास नहीं है, मेरे पास है। और अमेरिका में आपको पता है रिपेयर तो होता नहीं है कुछ भी, खाली जगह बुरी लगेगी। नहीं नहीं, 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 मुझे तो दिल ही नहीं है शफी, पता है आजकल के जमाने में चूल्हे के ऊपर इतना जो होता ही नहीं है। तो फिर मैं कुछ और करता हूँ, इसका कुछ रास्ता करता हूँ। हाँ माइक्रोवेव गया, चलो ठीक है, गुड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। अमेरिका में रिपेयर नहीं होता, वरना बहुत अच्छा था और महंगा भी था। चलो बहुत ठीक है। ये तो 18 साल में इतना तो ग्रीस होता है पीछे, ये सब ग्रीस ट्रैप है, ये ग्रीस ट्रैप हुआ है। तो आपसे मिलते हैं ये सब क्लीन हो जाने के बाद, फिर इंस्टॉल करते हैं। कि ये 36 इंच का वेंट हुड लाया हूं, एक ही स्टेनलेस स्टील बचा था और ब्लैक कलर का क्यों लिया है, इसलिए कि चूल्हा जो है वो ब्लैक है, तो ब्लैक से ब्लैक मैचिंग हो, और कोविड में कोई चीजें मिलती भी नहीं है। नहीं नहीं, इसके ऊपर फिल्म लगी है प्रोटेक्टेड, में तो घबरा गया था, मैं समझा वाइट लेकर आया मैं, और वाइट तो यहां जाता भी नहीं। ओके, सबसे पहले हम माउंटेन ब्रैकेट लगा देते हैं, ये वाले। ओके, ये हो गया।
अब इसकी वायरिंग कर लेते हैं। अब हम ऊपर की प्लेट, क्योंकि वेंट ऊपर से है ना, तो ऊपर लगा देते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये स्विचेज है इसकी। गुड। गिर जाओगे कार्टून, चलो जाओ जाओ, गिर जाओगे, यहाँ नहीं चढ़ो ऊपर। औरों की तरफ बढ़ने वाले कांटों पे जरा चलना सीखो। और ये है डक। आप लोगों को लग रहा होगा कि रूबी जो फॉइल यूज करती है ना खाने में, वो मैंने लगा दिया, मगर नहीं, ये प्रोफेशनल है एचवैक की डक टेप या फॉइल टेप। अब हम इसे वहाँ ले जाते हैं और लटका देते हैं। अभी भी 1.5 घंटा नहीं हुआ है। ओके। अब ऊपर डक्ट टेप लगा देते हैं। ओके, ये हो गया। चलो मैं क्लीन अप करता हूं और फिर रूबी का रिएक्शन देखते हैं। वाओ, ये क्या है? ये तो आपने एग्जॉस्ट लगा दिया, खतरनाक सा। वो एक्चुअल क्या है, एडवांटियम तो गार्बेज में गया, तो ये जगह खाली लगेगी, मगर ये सारे के सारा धुआं तुम्हारा सक कर लेगा। और वो फुली फंक्शनल है, लाइट भी है इसमें, तो मैं अब फुल फ्लैश बारबेक्यू भी कर सकती हूँ। उसमें क्या था, एडवांटियम में हल्का सा एग्जॉस्ट था कि भाई रोटी वगैरह बनाओ या कुछ धुआं वगैरह यहाँ वहाँ ना जाए, लेकिन मुझे तो लग रहा है ये फुल फ्लैश इन्होंने मेरे लिए एग्जॉस्ट डाल दिया विद लाइट। चलो अब मैं बाल कटवा के आता हूँ, तुम लोग अपनी शूटिंग शुरू करो वापस और इसको यूज करो। अगर इसमें करनी है तो यहाँ शूटिंग कर लो कोई। नहीं नहीं, अभी तो यहाँ करूंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अच्छा, वो बोलते हैं कि पसीना सूखने से पहले दिहाड़ी दे देनी चाहिए मजदूर की। लाओ अभी को नहीं, रियल जिनको मतलब फ्री का, फ्री का नौकर, फ्री का नौकर, फ्री का नौकर, नौकर बीवी का, वो पूरा पॉपुलर तो है। लोग मुझे क्यों देते हैं ताना, मैं तो हूँ बीवी का दीवाना, जमाना तो है नौकर बीवी का। चलो भाई मैं निकला, बाय, अल्लाह हाफिज़। तो अब ये जो दिहाड़ी मांग रहे हैं वो तो इम्पॉसिबल है, मैं तो नहीं दूंगी जब तक कि मैं टेस्ट नहीं करूं। और अब मैं नेक्स्ट खतरनाक सा कुछ बारबेक्यू बनाऊंगी जिसमें कोयले का खूब धुआं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे खतरनाक सी बारबेक्यू की रेसिपी के साथ। और अगर आप लोग के जहन में कोई आइडिया हो कि फला बनाऊं या ये मैंने नहीं बनाया, तो ज़रूर बताइएगा, तो मैं वो बनाऊंगी। तो चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक ब्लॉग एंड रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।